हाय, मैं आदित्य कुमार मौर्य। नमस्ते, हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आ गए हैं भोले की नगरी बनारस में, और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस समय पहले घाट की जो कंडीशन थी अब वो नहीं रही, और अभी घाट को इतना चमका दिया गया है और लाइट से डेकोरेट कर दिया गया है। और आप लोगों को दिखाते हैं एक बार ऊपर। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है मणिकर्णिका घाट, बनारस का सबसे फेमस, जहाँ पे मिट्टी दिया जाता है, यहाँ पे मृत शरीर को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। वो सामने आपको मणिकर्णिका घाट दिख रहा है, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे गंगा जी में प्रवाहित करके जाते हैं। ये लाइट का पोल है, और जब भी कोई फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, या कोई फंक्शन होता है, तो ये इस घाट को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। आप गंगा जी के उस साइड में जाके आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे घोड़े रहते हैं, ऊँट रहते हैं, आप वहाँ पे जाके उसके वो बैठ के घोड़े की या ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आप आ गए तो सुबह नहा के, गंगा जी नहा के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद फिर आप टहलो, घूमो और गंगा जी के उस साइड में चले जाओ। बहुत बढ़िया घूमने लायक है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है मणिकर्णिका घाट, मोक्ष द्वार। यहीं पे लाके लोगों को आखिरी मोक्ष। और यहाँ की ये खासियत ये है कि ये घाट 24 घंटे, यहाँ पे 24 घंटे लाशों को जलाया जाता है। कभी भी ये घाट बंद नहीं होता है। और यहाँ पे रात 12 साढ़े 12 एक बजे के बाद यहाँ पे आपको अघोरी बैठे हुए मिलेंगे। जैसा कि अघोरी की कहानी बहुत पुरानी है, और अब तो अघोरी बहुत कम दिखते हैं बनारस में, नहीं तो पहले हर जगह पे, हर घाट के पास में रात में अघोरी मिलते थे, वो बैठे हुए थे, जब तब करते थे। और अभी तो बहुत कम हो गए हैं, बहुत बहुत नसीब वाले होते हैं जो अघोरी के दर्शन कर पाते हैं। ये है हमारी बेटी अदिति मौर्य, और आज इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग दर्शन करने आए हैं काशी विश्वनाथ और गंगा घाट का। हाय बोलो, तेजी से बोलो। आओ, जैसा कि ये आप सामने देख रहे हैं, बोटिंग करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। आप इससे आगे जाके और नाव पे बैठ के आप बोटिंग कर सकते हैं आगे। अब गंगा घाट की सुंदरता देखने लायक हो गई है। पहले ये सब नहीं बने हुए थे, जगह जगह पे टूटे पड़े थे, और इतना नीचे आप आ भी नहीं सकते थे। अभी तो आप एक साइड से शुरू करिए, एक घाट से, और पूरा आप एक साइड से शुरू करेंगे और 80 घाट पूरा ख़त्म करेंगे। इतना गंगा जी के किनारे किनारे पे बना दिया गया है, सीढ़ियाँ भी हो गई हैं, पैदल जाओ अपना घूमते हुए पूरा। और ये सामने देख रहे हैं, ये सामने आपको दिख रहा है दशाश्वमेध घाट है, और गंगा जी के उस पार अभी मेला लगा हुआ था, जब थोड़ा ठंड था तो वहाँ पे
पर्यटक आए हुए थे, विदेशी पर्यटक आए थे, वहाँ पे ठहराया गया था मोदी जी के कॉन्सेप्ट से। और जब यहाँ से एक बोट निकली थी टूर के लिए, तो यहीं से बोट का शुभारंभ भी किया गया था। ये है सामने दिख रहा है बनारस का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, ताकि जो भी गटर का पानी है, नाली का पानी है, वो आए और इसमें पहले ट्रीट होके तब वो गंगा जी में मिले। ये है दशाश्वमेध घाट, यहीं इसी घाट पे गंगा आरती शाम को 7:30 बजे गंगा आरती किया जाता है। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा गंगा आरती के लिए यहाँ पे धूल के साफ सफाई करके फिर ये आप सामने देख रहे हैं कई मूवी का शूटिंग यहीं किया गया, जैसे स्मार्ट शंकर में राम पोथिनेनी ने यहाँ पे खड़े होके वीडियो में मूवी में दिखता है यहीं पे खड़ा था। नहाने के लिए दशाश्वमेध घाट ही फेमस है, यहाँ पे लोग आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद जाके भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, महादेव की नगरी है। और जो लोग अभी बनारस दर्शन करने नहीं आ पाए उनके लिए ये खास तौर से वीडियो है, कि आप नहीं आए तो वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये मंदिर इसी साइड में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, ये दुकान लगाए हैं। और ये जब आरती शुरू होने के पहले ये लोग अपना दुकान बंद कर देते हैं, ताकि इसका साफ सफाई हो और आरती यहाँ पे हैं। जैसे लोग आते हैं यहाँ पे अपने परिजनों को आखिरी विदाई देते हैं मोक्ष के लिए, या जैसे कहीं से लेके आए हैं कलश वगैरह लेके आए हैं, तो या इसको गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए यहाँ से अपना पूजा पाठ करा के फिर यहाँ जाते हैं। और ये जो चबूतरे जैसा बना हुआ है यहीं पे बैठ के गंगा आरती करते हैं। भैया जो हैं रुद्राक्ष बेच रहे हैं, सबके नसीब में पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं होता है, एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है, बाकी तो सब मिल जाते हैं। बहुत 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 रेयर मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, किस्मत में है तभी मिलता है। लोग यहाँ पे आते हैं और बच्चों का मुंडन वगैरह भी करवाते हैं, और नया वैवाहिक जोड़ा भी आता है दर्शन करके जाता है। आ रहे हैं और थोड़ा आवाज़ स्लो आएगा, लेकिन
मुंशी घाट, मुंशी घाट के आगे है हरिशन घाट, हरिशन घाट। टाइम पे इस साइड में घूमने लायक रहता है निरान द टेंट सिटी। यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं, ये दर्शन करने आते हैं, वो बोट से दूसरे साइड में आके यहाँ पे नहाते हैं, नहा के फिर बोट से जाते हैं और फिर मंदिर दर्शन करके आते हैं।
बोट वगैरह चलती रहती, इसलिए यहाँ पे डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन नहीं दिखती है। शांत इलाका में गंगा डॉल्फिन दिखती है।